शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम जा रहे थे बिंद्रावला, शादी का कुछ सामान लेना है और कल बिरयानी बनेगी तो बिरयानी का, कल या परसों जब बनेगी तो बिरयानी का मटेरियल पैक करवाना है और डिस्पोजल वगैरह लेना है। जो छोटे छोटे काम हैं वो जल्दी बिंद्रावला से निपटा लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। फिर आज ही आजमगढ़ भी जाएंगे क्योंकि हमारा कोट और कुर्ता सब तैयार हो गया है, तो उसका ट्रायल लेना है क्योंकि परसों बरात जानी है। आज ट्रायल लेंगे नहीं तो कल मान लीजिए कुछ फिटिंग विटिंग में दिक्कत होती है तो सही कर नहीं पाएगा, तो इस वजह से ट्रायल लेंगे। ताकि कोई दिक्कत आती हो तो वो कल सही कर दे। बाकी फिर तो कल नहीं परसों से शादी, परसों ना तो 3 दिन शादी का ब्लॉग रहेगा। और अच्छा कल ही से कल मिलेगा, हाँ कल करें क्योंकि ये वीडियो कल पोस्ट होगी तो परसों तो अगले ब्लॉग से शादी का ब्लॉग शुरू हो गया। फिर बाकी ये रोड चेक करेंगे, ये रोड ऐसा है कि सेडान गाड़ी चलाने में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। ऊँची गाड़ियाँ हैं तो एक बार के लिए ठीक है, मतलब उसे भी चलाने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आता है, पर सेडान गाड़ी मतलब चलाने में थकान हो जाती है। प्लस इस रोड की वजह से ना गाड़ी एवरेज देती है ना कुछ, तो हमें होती है काफ़ी दिक्कत। मतलब जिनके पास ऊँची गाड़ी है उनके लिए तो एक बार ठीक है, हमारी सेडान है और हद से ज़्यादा नीची है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इस गाड़ी को मतलब गड्ढों से बचाना होता है। पर भाई इस रोड पर गाड़ी दूसरे गियर मैक्सिमम तीसरे गियर से ऊपर जा ही नहीं सकती। मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत आदमी तेज़ चल जाए कुछ नहीं, भाई दूसरा देख ली जब से मैं गाड़ी स्टार्ट किया हूँ दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है 18-19-20 18-19-20 यही स्पीड में। मम्मी आई थी कुछ सामान लेने, ले के कुछ जा रही हैं। गाड़ी काफ़ी बुरी कंडीशन में हो गई है। रखते हैं, बाकी हमारी अम्मी अभी बिकाओ ले लेते हैं। तो अभी मैं जा रहा था बाल बाल कटवाने, थोड़ा चलता हूँ, बाल बाल पड़ गया है सेट करवाता हूँ ताकि दो एक दिन बचा है जो अपना बाल अपने आप सेट हो जाए। बाकी धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन रमजान ख़त्म हो गया तो पहले हिम्मत कर ली है निकलने की। रमजान ख़त्म हो गया इस वजह से इससे हिम्मत कर ली है निकलने की, क्योंकि अगर प्यास लगेगी तो पानी वानी अपना पी लेंगे। अब तो रमजान ख़त्म हो गया, रमजान में इससे निकलने में भाई लिटरली हालत ख़राब हो जाती थी, तो खैर कोई नहीं है। बाकी रमज़ान चला गया है तो अभी थोड़ा सा लाइफ जो है रमज़ान के हिसाब से ही चल रही, उठने उठने वाली तो 2-4 दिन लगेगा उसको सही होने में। बाकी अभी जाना है आजमगढ़, थोड़ा सा धूप कम हो जाए तो फिर बाल कटवा के अपना चलेंगे आजमगढ़ धूप कम होने के बाद। हाँ चलते हैं, और ईद में हम अपने दोस्तों के यहाँ नहीं गए तो चलेंगे पहले दोस्तों में, किसी भी दोस्त के यहाँ नहीं पहुँच पाया था तो कोई नहीं, अब आज जाते हैं चलते हैं मुलाकात करते हैं मुलाकात का। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं तो आदमगढ़ और कपड़ा वपड़ा भी ट्रायल करना है तो चलते हैं आदमगढ़ की तरफ। कार से फिर आना है तुरंत, यानी कार से जाना था वहाँ, फिर बाइक से आराम से अभी जल्दी जाने वाली ट्रायल लगे हैं मानने जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अमान के पुराने मोहल्ले में आए रेड मारने। अमान अमान भाई को भी छोड़ दूंगा। आजमगढ़ का आज का तो सारा काम हम निपटा लिया था हमने, बज रहा है 10:30 ऑलमोस्ट। अब चलते हैं घर, घर चलेंगे फिर सुबह सो के उठते हैं फिर वापसी आजमगढ़। अम्मी अम्मी सबको लेके कल आजमगढ़ की तरफ, मतलब आजमगढ़ क्योंकि परसों बारात जानी है। अब सब लोग आ ही गए हैं, यहाँ भीड़ तो हो ही गई है। बाकी तो बस यही है कि क्या नाम है, अम्मी और एक दो लोग बचे हैं तो वो लोग को हम कल सुबह सुबह जैसे ही हमारी सुबह होगी जब भी 7-8-9-10-11 तो उनको लेके आएंगे फिर कल का जो भी है। अभी तो घर जा रहे हैं, माए थे बाइक से, फिर बाइक की वहाँ ज़रूरत थी तो बाइक छोड़ दिया हमने, बाकी अब गाड़ी लेके जा रहे हैं। गाड़ी सुबह अब सब ले के सबको जो भी वहाँ सामान वामान बाकी है वो सब ले के फिर सुबह हम लोग 9 बजे तक इंशाल्लाह इरादा तो है 9 बजे तक निकल आएंगे यहाँ के लिए। फिर बाकी अब जैसा होता है देखा जाएगा, सुबह आप लोगों को बताते हैं। और अभी तो कुछ खास नहीं है, चलते हैं अब आपसे आगे मुलाकात करते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो।
तो फिर से ब्लॉग नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग मतलब सुबह को उठे हैं 6 बजे, अब लेकिन 9:30 हो रहा है। अब चलते हैं आजमगढ़। ये हमारी गाड़ी सुबह सुबह हमने इसको धुल दिया है क्योंकि कंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमने इसको धुल दिया था। हद से ज़्यादा गंदी थी, अब कल धुलवाएंगे इसको, क्या नाम है, अंदर बाहर दोनों, क्योंकि बारात जानी है। तो अभी फ़िलहाल हमने अपने से धुल दिया था, तो अब उतने अच्छे से तो नहीं धुल पाए थे, पर ठीक है। फिर भी धूल बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि यहाँ रोड्स वगैरह बन रहे हैं, इस वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो आधा सामान तो हमने गाड़ी में रख दिया है, आधा सामान हमें और रखना है, तो उसके लिए हम गाड़ी बैक करते हैं, उसे लगाते हैं। शीशा विस्क्रीन वगैरह बहुत गंदी हो गई है, तो एक गाड़ी हमारी वो खड़ी है, वो भी लेट थोड़ा सा निकलेगी। इसको हम रख पाते हैं सामान, इसमें चलते हैं अब आजमगढ़ के लिए। अभी सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो गया है। हमने इतना सोचा नहीं था कि सामान होगा, पर हो गया है। छोटे छोटे करके सामान कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। खैर कोई नहीं, चलते हैं। अभी गाड़ी कुछ देर स्टार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और डिग्गी खोलते हैं, आपको दिखाते हैं सामान। हमारे हसान भाई सामान रखते हुए, ऑलरेडी इतना सामान रखा हुआ है। अच्छा जी, पकड़ो कुछ सामान, हम इसको और एडजस्ट करते हैं। तेल है? वो वाला तेल कौन सा, छोटा वाला गाली का? बाकी गाड़ी हो रही है, गाड़ी है कुछ देर इसको छोड़ देते हैं ताकि ठंडी हो अपना, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। सामान ये छोटा सा रह गया, अचान इसको यहीं कहीं यहाँ लगा दो, आ जाएगा, बंद हो रही है, देखो। तेज से खोल, हमारे दूरी भाई का भैया शादियों का घर में गाड़ी का कुछ ये हाल होता है। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी में ये सब भरा ठंडी से रात, गर्मी से रात, मतलब कब कब। हम लोग टेंट हाउस से सब ऑर्डर वाडर करके उसके बाद लस्सी वस्सी पी के गर्मी उर्मी में, फिर हमें रजान भाई की याद आई कि ये साला बुलाता नहीं, ये कल भाग रहा था ये लखनऊ, मुझे अभी पता चला है, तो मैं सोचा चल के मिल लेता हूँ मैं। बाकी हम भागना रहता भाग गया होगा रजान भाई की दुकान पे, ये रजान भाई की दुकान, भागना रहता भाग गया होगा। गौर से देखिए, इस शख्स ये वही लड़का है और ये वही बैठा है जो 36, आगे मैं नहीं बोलूंगा भाई, मेरी गुलाब जिंदगी है। कुछ नहीं क्या बोलूं, क्या बोलूँ, यही रियलिटी है, देख लो। 36 के आगे कुछ बोलोगे? नहीं, यही रियलिटी है। रियलिटी नहीं है ये यही रियलिटी है। होता है ना, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। कुछ नहीं, मेरे दांत टूट चुके हैं, यही है। बाबू अभी बताओ, गुलाब की दुनिया कहाँ है? ऊपर और जाओ, ऐसे क्या होता है, लेके आओ। कुछ नहीं लेके आओ, चलोगे अभी ऊपर और क्या। अरे तुम्हारे अब्बा के खाना खाने ना, लेके आओ, मान भी आ रहा है। सरबत अरबत ऊपर 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 क्या देख रहे, 36 चुप भावना ना बो फराज की गाड़ी खड़ी, उसके अब्बा है क्या? फराज के अब्बा गाड़ी आज उधर खड़ी करवाए हो ला के गेट के सामने खड़ी कर दे रहे थे। अब जो है झालर वगैरह लग रहा है, जाइए हम यहाँ हैं। जैसा कि घर की डेकोरेशन शुरू हो रही है, लाइटिंग वगैरह लग रही हैं,
भाई आ गए। भाई क्या मस्त लिटरली खतरनाक वाली धूप पड़ रही है। ये इसमें समा इसमें लाइट्स वगैरह हैं, गोल्डन कलर की लाइट्स हैं। अभी तो एक बार अभी आप लोगों को घर दिखाते हैं, फिर एक बार लग जाने के बाद रात में आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं कि घर लाइटिंग के बाद कैसा दिखता है। तो इनको काम पे लगा दिया गया है, बावर्ची के साथ ये लगे हुए हैं। तो कुछ ये हाल रहती है शादी से एक दिन, अभी दो दिन चल रहा है, इतना काम है, कल बता रहे कल रात भर दिन भर उसमें देख रहे खाली घूम रहा है लड़का, ये लड़का खाली घूम रहा है। प्याज 3 किलो बताएं कितनी है, गिन ले। ढाई गिन चुका गिन चुका हूँ वहाँ पे जहाँ बावर्ची बना रहे हैं। परतिया तो कल चाहिए ना, नहीं परात यहीं दे दिए। बावर्ची का सामान है वो खाली दो, बिरयानी वाला बाकी कौन वहाँ ढोक जाए। तो अभी जो है घर कुछ ऐसा दिख रहा है, हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि घर मतलब कैसा दिखता है। अभी चलते हैं गोश्त लाना है, चलते हैं गोश्त वोश लेते हैं, हम बावर्ची देते हैं बिरयानी पकाने के लिए। भाई मेरी बाइक है किधर, ये खड़ी है, चलो गोश्त लेके आना है। तो ये लकड़ी ढो रहे हैं। बताते रहने को ना कांड हो जाए। खुले का ऊपर शादी है, गाड़ी हेलो लकड़ी वकड़ी फेंकने वेंकने के बाद फिर अब नए मिशन पे हम लोग जा रहे हैं। क्या कौन सा मिशन अमान भाई? मिशन चिकन लेने हैं। तो ये रही हमारी बोरी चिकन लेने की, चिकन ऑर्डर कर दिए, कट रहा है चिकन लेने। ये भीड़ भी दिखाओ ना, गर्मी दिखाओ। सबसे बड़ी जंग तो हमारी ये भीड़ और वो ऊपर ये अभी कम हो गई है दोपहर में गजब, मतलब मन सक्सेसफुल हो गया। हम लोग जाम से निकल गए हैं, अभी पहले एक मिशन और है वो जाना है अमान भाई के अब्बा के यहाँ खाना पहुँचाने। नहीं पहुँचाएंगे तो अभी घर आ रहे होंगे, 4 बजने वाला, अभी तक मेरा लौंडा खाना नहीं लेके आया। तो चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग सिगली कॉलेज पहुँच गए हैं जो कि आजमगढ़ का काफ़ी फेमस कॉलेज है। यही एक कॉलेज है जो बढ़िया से फेमस है, इसके बाद एक बीर भी है ना भाई। तो यही दोनों है, यही दोनों कॉलेज है जो फेमस है, नहीं भी और भी कॉलेज है और हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं लेकिन है। तो अमान भाई दौड़ के गर्मी में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि व्लॉग बनना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी आज का आधा दिन नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। बाकी जो आधा दिन ख़त्म हुआ, आधा दिन की वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। सो बाय बाय, टाटा।